लखनऊ एसएसपी कलानिधि ने थानी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी पश्चिमी विकास चंद्र त्रिपाठी की सर्विलांस टीम व थाना बादारखाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना बादारखाला क्षेत्र के शास्त्री नगर में एक कंपनी के अकाउंटेंट राजीव मिश्रा को गोली मारकर 12 लाख रुपए लूट की घटना का सफल अनावरण। 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटे गए 8 लाख 13 हजार रुपए। 01 पिस्तल 0.32 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। एसएसपी लखनऊ कलानिधि ने थानी द्वारा घटना के सफल खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा किया गया है। एसपी वेस्ट जो है उनकी टीम द्वारा दिनांक 7 दिसंबर को जनपद में शास्त्री नगर चौराहा थाना आपका बाजार खाला अंतर्गत एक व्यापारी हैं, सिगरेट गुटखा के व्यापारी हैं, उनके अकाउंटेंट राजीव मिश्रा जो है इन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर 12 लाख रुपए लूटने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे थाने पर अंतर्गत धारा 394 307 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसमें 21 सदस्यीय टीम मेरे द्वारा गठित की गई थी और टीम ने एसपी वेस्ट के नेतृत्व में और कई सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले। उसमें ये लोग जब घटना किए थे तो हेलमेट किए थे, जब इनको बैक ट्रेस किया गया तो एक जगह पर एक फ़ोटो मिला जिसमें हेलमेट नहीं था। उसको जब हम लोगों ने अपने बीट कॉन्स्टेबल्स अपने मुखबिर सबको उसमें लगाया और इसकी पहचान करवाई तो उसकी पहचान जो है मोइनू जफर अलवी उर्फ मानू जो कि कैंबल रोड थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है उसके रूप में हुई। इस व्यक्ति के निगरानी शुरू की गई और इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इसने बताया कि ये लोग एक महीने से लूट के फिराक में थे और 7 दिन पहले से रेकी कर रहे थे। इनमें जो लूट की धनराशि थी उसमें से 8,13,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो पिस्टल उसमें यूज़ हुई थी 32 बोर वो भी बरामद है, 2 कारतूस भी बरामद हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल TVS जो घटना में प्रयुक्त थी वो भी बरामद हो चुकी है। इसने बताया कि इसके एक साथी रवि श्रीवास्तव उसने जो है मोटरसाइकिल का इंतजाम किया था और पूरी घटना और इसके प्लानिंग में एक अन्य साथी पिंटू राय इसका भी साथ था। जो दूसरा मुख्य अभियुक्त था उसका नाम शैलेश द्विवेदी है जो कि BKT थाना क्षेत्र का मूलता रहने वाला है और वर्तमान में राजाजीपुरम में रह रहा है। फुटेज में भी इनकी जो बाइक है घटना के बाद राजाजीपुरम की तरफ जाते हुए दिखाई दी। अभियुक्त मोइनू जो है इसके ऊपर आपराधिक इतिहास में 5 मुकदमे हैं, 3 वजीरगंज 2 बाजारखाला के। और जो फरार अभियुक्त है इसमें शैलेश द्विवेदी इसके ऊपर 19 मुकदमे हैं, थाना हसनगंज वजीरगंज कैंट सरोजिनी नगर कृष्णानगर तालकटोरा नाका कैंट मलियाबाद अलीगंज जानकीपुरम और बाजारखाला में। इस तरह से ये 7 अपराधियों का गिरोह है। इनसे पूछताछ में ये भी पता चला, एक फ़ोटो हम अभी शेयर करेंगे, एक साल पहले 12 वफात जुलूस के एक दिन पहले अनस नामक एक व्यक्ति की रोड रेज के बाद गोली मार के हत्या कर दी गई थी। वो घटना भी इन लोगों ने कबूली, इसने अभियुक्त ने कबूली है और अपने गैंग का बताया है। उसमें भी जो पुलिया है और जो हेलमेट है वह सेम पाया गया और इन्होंने उसको कबूला भी है। ये बताया गया है कि उस दिन मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई थी तो जिस अनस ने जो है गाली गलौज किया था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग उस दिन भी लूट के फिराक में थे लेकिन लूट छोड़कर उस समय रोड रेज में इन्होंने उसको गोली मार दी थी। कुछ अन्य घटनाओं के बारे में भी इन लोगों ने अहम जानकारियां दी हैं जिनका पता लगाया जा रहा है। पुख्ता सबूत मिलने पर और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने पर यदि कोई अन्य अनावरण होते हैं तो आप सभी को अवगत कराया जाएगा। पूरी टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इतने कम समय में एक सनसनीखेज घटना का अनावरण कर टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है।